मैं देव आनंद गिल, सवेक सफाई कर्मचारी यूनियन, प्रेसिडेंट जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, आपके माध्यम से जो हमने अपना चार्टर ऑफ डिमांड काम छोड़ हड़ताल का नोटिस दिया था, जिसमें 25 सितंबर को कमिश्नर मैडम ने हमें अपने ऑफिस में बुलाया और उसमें जो वायदे किए थे, हम उन वायदों में से जो एक बहुत बड़ा वायदा मैडम ने पूरा किया है कि उन्होंने कहा था कि हम नवंबर के लास्ट में हम वो लिस्ट निकालकर और इंटरव्यू की डेट निकालेंगे, और उन्होंने 28 जो नवंबर को लिस्ट लगाई है उसका हम तह दिल से धन्यवाद करते हैं। और हम चाहते हैं कि जो उन्होंने सीरियल वाइज लिस्ट लगाई है उसमें एक कन्फ्यूजन आई है बहुत बड़ी, जो कि हर मुलाज़म हमें बार बार पूछ रहा है, उसमें यह है कि बाय नेम हर बंदे का उस लिस्ट में नाम होना चाहिए। एक से लेकर 811 लोगों की सीरियल वाइज उन्होंने नंबर दिया है, सिर्फ नंबरिंग, नाम किसी का नहीं। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप बाय नेम वो लिस्ट द्वारा लगाएं। और इसके साथ साथ 2.5 दिन का वेतन जो कमिश्नर मैडम ने कहा था कि हम फौरी तौर पर जब सेक्रेटरी आएगा, कुछ कन्फ्यूजन पड़ी थी वो दूर करके जल्द से जल्द देंगे। हम चाहते हैं कि 25 दिसंबर से पहले पहले, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है, उसमें 15-16 तारीख से पहले पहले हमारा जो 2.5 दिन का वेतन है वो सारा का सारा हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, जिसमें एनजीओ और कैजुअल लेबर की सैलरी भी 15 तारीख तक हमें मिल जाए, ताकि हमने जो हमारा फेस्टिवल है अच्छी तरह से मना सके। जिस तरह 200 सफाई कर्मचारी में से 100 कुछ लोग लग गए हैं और 25-30 लोग जो रहते हैं उनका भी फौरी तौर पर वो ऑर्डर निकलवाएं, ताकि 200 बंदा जो है वो परमानेंट हो, और जिनकी सैलरी पेंडिंग है 8-9 महीने की, वो जल्द से जल्द क्रिसमस से पहले पहले वो उन सैलरी को रिलीज करें। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कमिश्नर मैडम ने जितने भी वायदे हमसे किए थे वो पूरे हो रहे हैं, लेकिन डेली वेजर की जो वेतन का बढ़ाने का हमने एक निर्णय लिया था यूनियन ने और एडमिनिस्ट्रेशन से बात की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि ये गवर्नमेंट का मुद्दा है, और गवर्नर साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि 2 महीने लिए थे हमसे, लेकिन मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण वो आगे हो गया। हम चाहते हैं कि जो यूटी की सैलरी है 18,350 वो जल्द से जल्द इलेक्शन ख़त्म होते ही वो लागू करें, ताकि डेली वेजर जो है और एनजीओ का ठेकेदार है बहुत कम सैलरी में अपना गुजारा कर रहा है, बहुत महंगाई हो चुकी है, ये गवर्नमेंट को खुद पता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही इतनी महंगाई ऊपर तक ले गई, लेकिन जो छोटा मुलाजम है, जो सबसे ज़्यादा साफ सफाई का काम करने वाला, जो बीमारियों से लड़ने वाला सिपाही है, उनके घरों में उनके बच्चों को पूरी तरह से खाना नहीं मिल रहा, उनको शिक्षा नहीं मिल रही बच्चों को। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी के साथ, हमारे मुलाजमों के साथ ये इंसाफ करें। मैं आपके माध्यम से कमिश्नर साहब का फिर धन्यवाद करता हूँ, और मैं एक बार फिर मांग करता हूँ कि जो लिस्ट आपने लगाई है उसको फौरी तौर पर चेंज करके बाय नेम लगाई जाए। धन्यवाद।